पब्लिक देखो कैसे भाग रही है। बवाल हुआ है और सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ये बवाल देखिए। रायबरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल हुआ है। गुस्साए ग्रामीण पुलिस पर हमलावर हुए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया है। तो गुस्साए ग्रामीण पुलिस पर हमलावर हुए हैं। युवक की मौत के बाद की ये तस्वीरें हैं। युवक की मौत के बाद ये बवाल हुआ है। रायबरेली के हैबत मऊ में जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, किस प्रकार से गाड़ियों को जलाया गया है। भड़क रही है ये गाड़ी, आग लगाई गई है इस गाड़ी में। रायबरेली के हैबत मऊ में की तस्वीरें ये, जहाँ पर जमकर बवाल हुआ है। सड़क हादसे में युवक की मौत हुई थी और जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण पुलिस पर हमलावर हुए। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया है। ग्रामीणों ने रायबरेली सुल्तानपुर जाम किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फरमान अब्बास हमारे साथ। फरमान, ये पूरा मामला क्या है, किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों का गुस्सा है? देखिए, ये जो हैबत मऊ गांव है, रायबरेली से सुल्तानपुर रोड पर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हैबत मऊ गांव में वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ देर पहले, और उस एक्सीडेंट में कार सवार ने एक राहगीर को कुचल दिया था। और उसके बाद जो उसकी राहगीर की मौत हो गई, तो गांव के जो लोग थे, हैबत मऊ गांव के और आसपास के गांव के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने जो मृतक युवक था उसके शव को रोड पर रखकर जाम कर दिया, और जो रायबरेली सुल्तानपुर रोड है वो पूरी तरह से जाम कर दिया। आक्रोशित गाँव वालों ने यहाँ पर रोड जाम कर दिया, एक वाहन में आग लगा दी जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद पुलिस पर भी पथराव किया है यहाँ के जो गांव वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, और जो रोड जाम किया था, रास्ता जाम किया था, उसको खुलाने और उसको साफ करने की कोशिश कर रही है पुलिस। यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी हमलावर हुए हैं गांव वाले आक्रोशित, और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के बाद यहाँ उन लोगों को जो रास्ता जाम किए हुए थे यहाँ से खदेड़ा है, और फिलहाल लोगों को समझा बुझा रही है। और जो ड्राइवर है जिसने जिसके कार से गाड़ी से यह हादसा हुआ था, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल गांव वाले काफ़ी आक्रोशित हैं और पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस से उनकी कई बार झड़प हो चुकी है। कैमरामैन गौरव के साथ फरमान अब्बास, मंजुल, हैबत मऊ गांव, रायबरेली। तो आप तस्वीरें देख रहे थे और लगातार फरमान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। फरमान, समझने वाली बात यह है, जो कार जिस युवक को कुचला गया था, जो कार सवार था, उसे पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, इसके बावजूद ये ग्रामीण जो है उनका गुस्सा क्यों है? फरमान, ये समझने वाली बात है। देखिए, गांव वालों ने पहले उसको, जो ड्राइवर है जिससे हादसा हुआ, उसको पकड़ा, उसको पिटाई कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उसको डायल 100 वहां से गाड़ी जब गुजरी तो डायल 100 के हवाले किया। उसके बाद भी जो गांव वाले हैं वो लगातार आक्रोशित रहे और उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी, रास्ता जाम कर दिया। पुलिस की परेशानी इस वजह से ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि कुछ देर बाद राहुल गांधी को इसी रास्ते से गुजरते हुए फुर्सतगंज हवाई पट्टी तक पहुंचना है, और जो नामनिछर के लिए, यही वजह है कि बार बार पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आक्रोशित गांव वाले समझने को तैयार नहीं थे और पुलिस पर हमलावर हो रहे थे। कई बार पुलिस से उनकी झड़प हुई, उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, हाथापाई की, और पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, लाठीचार्ज भी किया। फरमान, अभी क्या हालात है वहाँ के? देखिए, अभी भी गाँव में जो दूर दूर तक लोग इकट्ठा है, बार बार नारेबाजी करते हुए वो मुख्य मार्ग जो सड़क है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बीच में ट्रैफिक खुलता है, लेकिन फिर गांव वाले आकर पथराव करने लगते हैं और उसके बाद ट्रैफिक जाम होता है। ये कई बार इस तरह की स्थिति बनी है यहाँ पर। फिलहाल रोड चालू हो गया है, लेकिन गांव वाले अभी भी मौजूद है। सबसे जो परेशानी वाली बात है कि पर्याप्त पुलिस बल अभी तक नहीं पहुंचा है। जो पुलिसकर्मी है वो चंद पुलिसकर्मी है, महज कुछ दर्जन पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, और गाँव वालों की संख्या
सैकड़ों में है। यही वजह है कि बार बार परेशानी बढ़ रही है। अभी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है, जब ज्यादा पुलिस बल होगा तो स्थिति और ज्यादा काबू में आएगी। फरमान, जो युवक था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, कोशिशें कवायदे चल रही है कि लोगों को हटाया जाए, जो परिजन और जो लोग इस तरह से कर रहे हैं उनकी डिमांड क्या है, चाहते क्या है वो, ताकि चीजें स्मूथ हो, उनकी मांग क्या है? फरमान, देखिए हमारी कुछ गांव वालों से भी बात हुई और परिजनों से भी बात हुई। परिजनों का कहना है कि क्योंकि युवक की मौत हुई है, मुआवजा दिया जाए उसको, और मुआवजा के अलावा उनका ये कहना है कि जो दोषी है उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आकर उनसे बात करे, उनको आश्वासन दे, तभी स्थिति यहाँ पर सामान्य होगी, ये उनकी डिमांड है। तो फरमान, अब लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी आएंगे, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं अब कुछ समय बाद जो है राहुल गांधी को आना है, इसी रास्ते से होकर वो जाएंगे, सफर तय करना है, तो ऐसे में कवायदे तो तेज होंगे फिर। बिल्कुल, जो आला अधिकारी हैं अब मौके पर पहुंचे हैं, अभी मेरे सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं कि आला अधिकारी यहां पर आए हैं, एडिशनल एसपी पहुंचे हैं, और वो अब बात कर रहेंगे, जो गांव वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो सके। फरमान, जिस युवक की मौत हुई है उसकी उम्र क्या रही होगी लगभग, और क्या करता था वो, किस तरह का काम करता था? इतना आघात जो परिजनों को पहुंचा है अचानक होने से, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान, जो परिजन है उनकी भरपाई करना काफी मुश्किल किसी भी मुआवजे से वैसे तो। देखिए, नौजवान युवक था, इसी वजह से ज्यादा आक्रोशित है गाँव वाले। उनका कहना है कि युवक की मौत के बाद जो परिवार है उसके ऊपर जो दुख पहुंचा है, उसके ऊपर आघात पहुंचा है, और परिवार की को जरूरत है कि उसकी मदद की जाए, उसकी आर्थिक मदद की जाए, और यही वजह है कि वो अपनी मांग कर रहे हैं और उस मांग को लेकर आक्रोशित है। तो फरमान, क्या लगता है कितनी देर में और एक्स्ट्रा फोर्सेस वहाँ पर पहुंच जाएंगी ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सकेगा? देखिए, जो आला अधिकारी हैं उनका जब पहुंचना शुरू हुआ है यहाँ पर मौके पर, तो उनके साथ पुलिस फोर्स भी आ रहा है, और बार बार अब समझाने की कोशिश की जा रही है, और जो फोर्स जैसे ही बढ़ा है वैसे ही जो गांव वाले हैं जो मुख्य मार्ग पर थे, रायबरेली सुल्तानपुर रोड पर जो मौजूद थे, और वो अब इधर उधर छटना शुरू हुए, यानी गांव के अंदर जो आसपास के गांव है उनके तरफ उनका रुख हुआ है। फिलहाल अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची है और अब वो आग बुझाकर आग पर काबू पा रही है। और जिस युवक को पकड़ा गया है फरमान, क्या उससे आपकी कोई बात हो पाई, क्या उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर की? देखिए, जिस युवक को हिरासत में लिया है, जिससे ये हादसा हुआ था, जो गाड़ी को चला रहा था, उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर रायबरेली भेजा है और रायबरेली में उसको रखा गया है। रायबरेली से हैबतमऊ गांव तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर है, और यहां पर फिलहाल आक्रोशित भीड़ है, और जो ड्राइवर है जिससे ये हादसा हुआ है उसको रायबरेली ले जाया गया है, और पुलिस उससे वहां पर अपनी हिरासत में लिए हुए और ज्यादा जानकारी उससे हासिल कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल फरमान, देखिए जिस प्रकार की आप तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो जो कार संभवतः इसी से वो एक्सीडेंट हुआ था, जिसका शिकार ग्रामीणों के गुस्से का होना पड़ा, वो बिल्कुल जलकर खाक हो रही है, और जो दूसरी तस्वीर है उसमें कहीं ना कहीं कवायद चल रही है कि परिजनों को किसी तरह से मना लिया जाए, हटा दिया जाए वहां से। तो क्या लग रहा है फरमान, क्योंकि अब समय भी देखिए अगर देखा जाए तो काफी कम रह गया, ऐसे में जो अधिकारी पहुंचे हैं उनसे बातचीत की कवायद चल रही है, क्या लग रहा है, क्या मुआवजा दे पाएंगे, किस तरह की घोषणा करेंगे इनके लिए? देखिए, उनका जो अधिकारी है वो जाहिर सी बात है कि बातचीत करके आश्वासन देंगे, और जो जो नीति है सरकार की, या जो जो इस तरह के मामलात में जितना जितनी आर्थिक मदद की जाती है, चाहे वो डीएम स्तर से हो या फिर सरकार के स्तर से हो, वो आश्वासन देंगे, और उसके बाद जो परिजन आक्रोशित है या जो गाँव वाले आक्रोशित है उनका गुस्सा और उम्मीद की जा रही है कि शांत होगा। फिलहाल अभी बातचीत चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, और लेकिन जो भीड़ है वो अब फिलहाल छट गई है, आला अधिकारी पहुंचे हैं, और जो पुलिस फोर्सेज के जवान हैं वो भी अब पर्याप्त मात्रा में पहुंच गए हैं, तो ऐसे में जो भीड़ जमा हुई थी वो अब तितर बितर होना शुरू हो गई है और रास्ता पूरी तरह से अब खुल गया है। जी बिल्कुल, तो रास्ता खुल गया है, तो उम्मीद ये कर सकते हैं फरमान हम कि जल्द से जल्द जो है इस जो स्थिति जो थोड़ी देर के लिए सही नहीं लग रही थी वो अब सही हो जाएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। और जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि रास्ता जो है वो काफी पुलिस वालों जो फोर्स है उसकी मुसीबत इसलिए बढ़ी हुई थी ज्यादा, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला था। आखिर फरमान, कुछ ऐसा भी हुआ कि ग्रामीणों पर भी लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि जो ग्रामीण है वो समझने को तैयार नहीं थे, अब लेकिन जैसा आप बता रहे ग्रामीण समझ चुके हैं कि अब मामले में जो दोनों पक्ष हैं उनसे बातचीत हो जाएगी। फरमान, तो पुलिस ने देखिए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया था, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी फरमान वहां की लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे और बता भी रहे थे कि किस प्रकार से ये सब कुछ शुरू हुआ और उसके बाद
धीरे धीरे सारी स्थिति जो है अब काबू में हो चुकी है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, वहां पर आलाधिकारी पहुंचे हैं। जो ग्रामीण थे उनकी भीड़ जो थी वो छिटकनी शुरू हो गई है, वापस जा रही है, और जो वहां पर आलाधिकारी पहुंचे वो परिजनों से बात कर रहे हैं। परिजनों में गुस्सा था, उन्होंने बवाल किया था जरूर जो शव था उसको रख कर, लेकिन अब आलाधिकारी वहां पहुंचे क्योंकि मुआवजे की मांग, जैसा कि बता रहे थे हमारे सहयोगी कि मुआवजे की मांग को लेकर वहां पर बैठे थे, तो अब मुआवजे की भी घोषणा अब हो सकता है कर दे। क्योंकि सबसे अहम देखिए यहाँ पर आपका जानना जरूरी ये है, ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, पुलिस वाले इसलिए फोर्स इतनी ज्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कि आज अमेठी में नामांकन होना है, वो यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो इसलिए ज्यादा परेशानी का सबब है ये, कहीं ना कहीं ये क्लियर करना सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी, और इसलिए समय रहते आला अधिकारी भी पहुंचे हैं, बातचीत हो रही है। और जिस गाड़ी को देखिए, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसे ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा, किस तरह से देखिए आप, ये गाड़ी बिल्कुल धू धू करके जल चुकी है, लगभग खाक हो चुकी है, और जो युवक था उसे भी पकड़ लिया गया है। पहले तो ग्रामीणों ने ही उसे पकड़ा, जैसा कि बता रहे थे हमारे सहयोगी, ग्रामीणों ने ही पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। रायबरेली के हैबत मऊ गांव में दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई, उसके बाद आक्रोशित गांव वालों ने यहां पर रोड जाम कर दिया, एक वाहन में आग लगा दी, जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, जो ड्राइवर है जिसने जिसके कार से गाड़ी से यह हादसा हुआ था उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल गाँव वाले काफ़ी आक्रोशित हैं और पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से उनकी कई बार झड़प हो चुकी है। कैमरामैन गौरव के साथ फरमान अब्बास मंजुल, हैबत मऊ गांव, रायबरेली। तो देखिए कि आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम लगातार, और हम बातचीत भी कर रहे थे कि किस प्रकार से तमाम चीजें हुई हैं। पूरा घटनाक्रम अगर आप समझें तो एक युवक की जान चली गई, मौत हो गई, एक्सीडेंट हुआ, और जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उस कार को तो जो ग्रामीण थे उन्होंने बिल्कुल जला दिया है, आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पब्लिक देखो कैसे भाग रही है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो उस युवक को